Yes, student, see 27th illustration. Yes, A and B are partners. 3:2 is their profit sharing ratio. They admitted C for 1/4 share, which he takes 1/4 ka 1/6 from A and 1/12 from B. मैंने काउंटर चेक करने के लिए आपको बताया हुआ है भाई, इसका भी डिनोमिनेटर सेम बनाइए तो ये बन जाएगा 2/12. 2/12 प्लस 1/12 बन जाएगा 4/12. 4/12 3/12 होगा भाई. 3/12 इज इक्वल टू 1/4. सो काउंटर चेक आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर लीजिए कि आप ठीक अज्यूम कर रहे हैं. सो अगेन इट इज कमिंग टू मी दैट इज व्हाट 1/4, राइट? सो इट कम्स टू मी 3/12 व्हिच इज इक्वल टू 1/4. नाउ कम टू नेक्स्ट. गुडविल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स. मेरी पहली एंट्री गुडविल को राइट ऑफ करने की होगी बिटवीन माई ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सी ब्रिंग्स, व्हाट सी इज ब्रिंगिंग? सी इज ब्रिंगिंग 18,000, आउट ऑफ विच ओके 30,000 वॉज एज शेयर ऑफ गुडविल और उसमें से सिर्फ 18,000 वो कैश में लेके आ रहा है. इट मीन्स की रेस्ट 12,000 ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू ब्रिंग इन कैश. तो आपको केस करवाया हुआ है, अगर वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लेके आता तो हम उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं. जितना वो कैश में लेके आता है वो प्रीमियम में डालते हैं. सो लेट्स बिगिन विद, कह भी दिया लास्ट लाइन ना भी लिखता तो भी मैं ऐसे ही अज्यूम करती. उसने लिखा इट वॉज डिसाइडेड दैट शॉर्टफॉल इन द अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू सीज करंट अकाउंट. कोई बात नहीं, ना भी कहता हम ऐसा ही करते. गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट आई एम गोइंग टू राइट ऑफ फर्स्ट. तो पुरानी गुडविल को जब राइट ऑफ करेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू व्हाट गुडविल. सो पुरानी गुडविल हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 20,000 है. 20,000 का 3/5 करिए, दैट विल कम टू अस 3/5, 12 and 8. Being already existing goodwill written off between the old partners in their old ratio, that is 3:2. Now, whatever he is bringing, out of 30,000, 18,000 only he is bringing. That 18,000 we will be putting in cash. Cash account debited to premium for goodwill, right? Cash account debited to premium for goodwill. जो जो कहता जाता है उस तरह से हम treat करते जाते हैं. अगली ड्यूटी हमारी क्या होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो. सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैं नहीं निकाल रही बिकॉज आई एम अप्लाइंग द रूल. इफ नथिंग इज बीइंग मेंशन्ड फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू द ओल्ड रेशियो. ही इज कमिंग फॉर 1/4, राइट? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वी विल बी कैलकुलेटिंग. क्या लिखा उसने? 1/6 फ्रॉम ए. रूल नहीं लगेगा. 1/6 फ्रॉम ए इट मीन्स की 2/12 फ्रॉम ए and 1/12 from B. So their sacrificing ratio comes to me 2:1. See the next entry. जो वो लेके आया उसका तो premium debit करिए. Premium for goodwill. जो वो नहीं लेके आया कहता shortfall से C का current account debit कर देना. So C is current account debited 2. A is capital 2. B is capital. He is bringing 18,000. Shortfall was of 12,000. 30,000 को divide करिए 2/3 में. So our first partner will get 20,000 and the second partner will get 10,000. ठीक है जी? Being the old or sacrificing partners credited in their sacrificing ratio, right? So matching with the book. Any doubt to anyone? एक नया concept बता दिया उसने. Whole of the amount this time he is not bringing in cash. Only a part of his share of goodwill he is bringing in cash. And for the rest amount we will be debiting his current account. This is the line he is writing in your question.
Had he been not been writing the same line, I will again be assuming the same, right? So आपको confusion से बचाने के लिए उसने line लिख दी कि जितना भी downfall है या shortfall है उसके share का जो वो नहीं लेके आ रहा उतने से उसका current account debit कर देना, हमने कर दिया, right? Come to next. This was your 27th illustration. Now read 28th, everyone. Read 28th. X and Y are partners. 3:2. They admitted Z for 1/5 share. Z's get his share from X and Y in this ratio. Firm ki goodwill 50,000 hai. This is firm's goodwill. Saath mein hi main Z ka share nikal lungi. This is firm's goodwill given in the equation. 50,000, right? So calculate Z's share of goodwill. ₹50,000 ka 1/5, that comes to me 10,000. He brings, iska 60% wo leke aa raha hai. That is 60% matlab 6,000. 4,000 wo nahi leke aa raha, main usko cross kar rahi hu. And 2 lakh अपनी कैपिटल का चेक के थ्रू फर्म की बुक्स में पहले से 20,000 गुडविल है, वो बाद में डिस्कस करते हैं, राइट ऑफ करनी है. 1/5 का 2/5 he takes from X, तो X का सैक्रिफाइस निकालिए. X sacrifice is equal to 1/5 का 2/5, that is 2/25. Y's sacrifice 1/5 का हाउ मच 3/5, दैट इज 3/25. सो देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:3. एम आई राइट? गिवन रेशियो वाज 3:2, बट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो कम्स टू अस 2:3. लेट्स चेक फ्रॉम द बुक. यस, 2:3 है भाई, 2:3. वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन बाय पासिंग द एंट्री व्हेन वी हैव टू राइट द ओल्ड गुडविल. ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? एक्स कैपिटल डेबिटेड, वाई कैपिटल डेबिटेड टू गुडविल. एक्स कैपिटल डेबिटेड, वाई कैपिटल डेबिटेड टू गुडविल बीइंग ऑलरेडी एक्सिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन विच रेशियो? इन देयर ओल्ड रेशियो, एंड दैट वाज 20,000. 20,000 का 3/5 करिए. 20,000 का 3/5 इट इज अगेन 12,000. अपने हिस्से की वो कितनी गुडविल लेके आ रहा है? 6,000 वो कैश में लेके आ रहा है आउट ऑफ 10,000. सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल. मेरे को लगता है कैपिटल की अलग से करेगा क्योंकि कैपिटल ही इज ब्रिंगिंग इन चेक. देखो जरा, प्रीमियम अलग से किया होगा? नो, ही इज पुटिंग द प्रीमियम ऑल्सो इन द बैंक. चलो इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग भी. कंबाइंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल to Z's capital 2 lakh. Premium for goodwill is 6,000. Overall 2 lakh and 6,000. जितना वो कैश में ले आया फाइन, जो नहीं लेके आया 4,000 उससे उसका. देखो अप्लाई नहीं लिखी कि विद डेफिशिएंसी और विद शॉर्टफॉल यू जस्ट डेबिट Z's करंट अकाउंट. इफ नथिंग इज बीइंग रिटर्न अगेन आई विल बी डेबिटिंग द Z's करंट अकाउंट, राइट? जो लेके आया वो तो प्रीमियम डेबिट करिए. थर्ड एंट्री आई एम पासिंग, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड. आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है बच्चों. Z's करंट अकाउंट डेबिटेड टू माय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड हियर इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. 2x कैपिटल टू y's कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल इज 6,000. हाँ, Z's करंट अकाउंट इज 4,000.
So overall 10,000 into 2 by 5, 4,000 and 6,000. Reversal. ठीक है? Being the premium for goodwill credited to the sacrificing partners. Right? 6,000, 4,000, then 4,000 and 6,000. Sixth point पे आएंगे. Treatment of goodwill we are basically doing in our admission. So in sixth point he is making the heading. When the new partner does not bring his share of goodwill, नहीं लेके आ रहा कुछ भी तो प्रीमियम में कुछ नहीं जाएगा. We will just be debiting his current account and we will be crediting the sacrificing partner's capital account, right? So 29th पे आइए. काम है 29th everyone. Read it 29. Till now, if you are having any doubt, you may ask. Any doubt, any query to any one of you, you may raise your hand, you can ask your query. Right? He is not bringing a single penny for his share of goodwill, but mere sacrificing partner usko chhodenge nahi. Wo bolenge ki mere hame to apne sacrificing ki compensation chahiye. Fine, if you are not bringing anything in cash, but we will be extracting that amount from your current account. So we will be debiting his current account and we will be crediting the sacrificing partner's capital account. But in this case, premium for goodwill is never to be opened, right? Because he is not bringing anything in cash. 29. A and B are partners. A is to B. 3:2. Their capitals are 2 lakh, 1.50 lakh. They admitted C. C is coming for 1/3. कुछ नहीं कहा तो their sacrificing will be equal to old ratio. C अपने हिस्से की 2 लाख capital लेके आ रहा है, लेकिन वो goodwill का कुछ भी नहीं लेके आता. कहता मैं आपको बता रहा हूँ कि firm की goodwill 1.5 लाख है. This is firm's goodwill. मैं C का share निकाल लूँगी. जब कभी भी क्वेश्चन में फर्म्स गुडविल है, इट इज योर ड्यूटी टू कैलकुलेट इनकमिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, राइट? सो ही इज गिविंग यू द टोटल गुडविल इन द क्वेश्चन. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, आई विल बी कैलकुलेटिंग सीज शेयर. दिस इज फर्म्स गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल 1,50,000 इंटू 1/3. So that comes to us 50,000, right? Done. This is 50,000. He is not bringing a single penny for it. Already existing goodwill है नहीं, जो वो capital लेके आ रहा है वो तो bank में डालिए. Bank account debited to C's capital, पहली entry. Bank account debited to C's capital. Right, that will come to us 50,000. Oh, sorry, 2 lakh. Capital he is bringing 2 lakh. Goodwill ka kuch bhi nahi leke aa raha, to hum uska current account debit karenge. Agli entry kya? Being capital brought in by C. Right, pehle ka narration. Come to the narration of second entry. Firstly, pass the second entry. C's current account debited to my sacrificing partners, and that are A's capital, to B's capital, and his share was 50,000. 50,000 sacrificing ratio is equal to old ratio in this case. So 30,000 and 20,000. Being sacrificing partners credited in their sacrificing ratio, that is 3:2. Right? Done. Same entries we passed. मैंने बता दिया आपको, मैं बार बार रिपीट भी कर रही हूं. अगर तो वो खुद कह देता है कि शॉर्टफॉल इन द शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज टू बी डेबिटेड टू हिज करंट अकाउंट, फाइन. लेकिन अगर वो खुद कुछ नहीं कहता तो भी हम लोग नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट ही करते हैं जब वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लेके आता, राइट? सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. नाउ रीड 30th इलस्ट्रेशन. Overall, देखो sacrificing ratio was important. We learnt a lot about sacrificing ratio, and now what we are doing the treatment of goodwill and so many different cases and so many illustrations we have discussed in the class. After completing this 30th illustration, we will see the back exercise question relating to goodwill, right? Thirty-first.
हटिया थाना स्टेशन पे आइए। पहले तीन पार्टनर हैं हमारे पास, ए इज टू बी इज टू सी। फाइव इज टू फोर इज टू वन। टू न्यू पार्टनर्स आर बीइंग एडमिटेड, दो की एडमिशन हुई डी एंड ई, उनके आने पे रेशियो हो गई है। पहले तो मेरा ये स्टेप है कि मैं इनका सेक्रीफाइसिंग निकालू, सबसे पहला स्टेप ये। डी कहता है मैं अपने हिस्से की 30,000 गुडविल लेके आऊंगा, ई कहता है मेरे पास गुडविल लेके आने के लिए पैसा नहीं है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में कैश में 30,000 चला जाएगा, लेकिन ई जो अपने हिस्से की गुडविल नहीं लेके आया उससे ई का करंट अकाउंट डेबिट होगा। बोथ द पार्टनर्स 40,000 40,000 दोनों अपनी कैपिटल लेके आए हैं, राइट। चलिए जी पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ए इज सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू, 5/10 माइनस 7, 9, 11, 12, 3/12 120 एलसीएम, 60 minus 30, 30/120। बी इज सेक्रीफाइस 4/10 माइनस 4/12, 48 minus 40, 8/120। सी इज सेक्रीफाइस 1/10 माइनस 2/12, 120 एलसीएम, 12 minus 20, यस दिस इज फॉर व्हाट आई वाज वेटिंग, 12 minus 20 minus 8/120। इट मींस कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन माय फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर्स दे आर सेक्रीफाइसिंग एंड माय थर्ड पार्टनर इज गेनिंग। इफ थर्ड पार्टनर इज गेनिंग ही इज गोइंग टू कॉम्पनसेट माय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, इट मींस कि ही इज आल्सो गोइंग टू बी डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस विद व्हाट अमाउंट। पहले तो डी अपने हिस्से की 30,000 गुडविल लेके आ रहा है, ध्यान से देखना मैं स्टेप्स क्या करूंगी। जब डी का शेयर कितना है 2/12, तो मैं फर्म की गुडविल निकालूंगी। पहले कैलकुलेट फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ डी शेयर, फर्म्स गुडविल, क्यों? क्योंकि मेरे को ई का शेयर ऑफ गुडविल भी निकालना है, मेरे को सी की कॉम्पनसेशन कितनी वो देगा ए और बी को, मेरे को वो भी निकालनी है। फॉर दैट पर्पस आई नीड फर्म्स गुडविल, बट इन द क्वेश्चन आई डू हैव ओनली द शेयर ऑफ डी। He is bringing firm's goodwill on the basis of किसको बेस बना के मैं निकाल रही हूं, ऑन द बेसिस ऑफ डीज शेयर। लेट मी रेस दिस ऑल, थर्टी थाउजेंड इज बियॉन्ड 2/12, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करिए, 360 Divided by 2, it comes to me 180. It means कि firm के goodwill है 1,80,000. Let me check from the book before I proceed further. Yes, it is 1,80,000. अब E का share निकालिए, E का share कितना है 1/12. E is share of goodwill. E नहीं लेके आ रहा अपने हिस्से की goodwill. 1/80 into 1/12. मेरे को लगता है 15 पे चला जाता है ये. 15,000. Now, C will compensate. C कितना compensate करेगा because he is gaining 180 का 8/120. So C will give the compensation 15 8s 120 होता है तो it comes to me 12,000. Yes, matching with the book. I am repeating the whole scene. तीन केस इकट्ठे एक ही क्वेश्चन में डाल दिए। दो पार्टनर्स की पहले तो एडमिशन हुई, एक पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है वो अमाउंट दे रखी है, दूसरा पार्टनर अपने हिस्से की कोई भी गुडविल लेके आने की पोजीशन में नहीं है, पर दोनों अपने हिस्से की कैपिटल जरूर लेके आ रहे हैं, दैट इज 40,000. जो पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नहीं लेके आ रहा, मैं पहले उसका शेयर तो निकालू। सारे क्वेश्चन में मेरे को फर्म की गुडविल नहीं दे रखी, मैंने डी के शेयर को बेस बना के फर्म की टोटल गुडविल निकाली, मैंने उसके रेसिप्रोकल के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दिया। So I do have firm's goodwill in front of me, that is 1,80,000.
On the basis of that 180,000, I computed E's share of goodwill. That comes to us 15,000. Then hereby C was gaining. So C is going to compensate to A and B in his gain. So his gain is to be multiplied with firm's goodwill. That comes to us 12,000. Now whole of the thing I am showing with the help of journal entries. Both of them are bringing their capital. I will be writing bank account debited to D's cap to E's cap to premium for goodwill. कौन प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है? डी प्रीमियम फॉर गुडविल बी लेके आ रहा है. 40 प्लस 40 80 हो गया. 80 प्लस 30 दैट विल बी 110. सो 110,000 से आपकी पहली एंट्री होगी इंक्लूडिंग योर प्रीमियम फॉर गुडविल. दैट इज 30,000 एंड हियर बाय 40,000 ईच. सो ग्रैंड टोटल कम्स टू मी 110,000. राइट नाउ व्हाट टू डू? जो वो लेके आया है वो तो पार्टनर्स को दो. ई नहीं लेके आया तो उसका करंट अकाउंट डेबिट करो. और सी को क्योंकि गेन. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज तीन केस उसने क्वेश्चन में इकट्ठे डाल दिए. राइट, सो दिस इज प्रीमियम फॉर गुडविल. ई नहीं लेके आ रहा, उसका करंट अकाउंट डेबिट करो. स्टेप वाइज करोगे, कॉन्सेप्ट को लर्न करके करोगे. क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर अस. एंड सी वॉज गेनिंग, सो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. जब गेन होता है तो कैपिटल में डालते हैं कि करंट में डालते हैं? कैपिटल में डालते हैं. सी इज कैपिटल विल बी डेबिटेड टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल इनटू देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, बट नाउ आई हैव टू कॉपी फ्रॉम द बुक एंड दैट कम्स टू मी 15:2. कैंसिल करके 15:4, राइट? 15:4 इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. पहले टोटल निकालो. यस, प्रीमियम फॉर गुडविल वॉज 30,000. E का शेयर कितना था? 15. C कॉम्पनसेशन देगा 12. 27. 57,000 का 15/19. 3 के टेबल पे जाएगा. 45 and 12. राइट, सो 45 to 12,000 will be their compensation because both of them they were sacrificing. This was your 30th. Hidden goodwill ka case hum log pehle se hi illustration mein kar chuke hain, but hereby again he is talking about hidden goodwill. But before I proceed further in illustration, I have to see few back questions. Come at the back exercise. Twentieth question, Vimal and Nirmal. Read that. 20th question from the back exercise, Vimal and Nirmal. Numericals from your back exercise. Vimal is to Nirmal are two partners. What else he is giving me in the equation? Their profit sharing ratio is 3:2. A new partner Kailash. He is not Kailash K, famous singer of India. He is simply Kailash. विमल गिव्स, विमल कितना देता है? 2/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ऑफिस शेयर टू कैलाश. विमल गिव्स बाई 1/5 एंड निर्मल गिव्स 2/5. ऑफिस शेयर मल्टीप्लाई कर देंगे. फॉर द पर्पस ऑफ कैलाश एडमिशन फर्म्स गुडविल ही इज गिविंग. पहले निकालते हैं कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं. विमल सेक्रीफाइसेस 1/5 ऑफ हिज शेयर 3/25. निर्मल सेक्रीफाइसेस
2/5 of a share, 4/25. So this is their sacrifice. दोनों को जितना दोनों sacrifice कर रहे हैं वही कैलाश का share हो जाएगा. So कैलाश का share बनेगा 3/25 plus 4/25, 7/25. ठीक है, अब मैं क्यों रुकी थी यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास फॉर्म की गुडविल है. फॉर्म की गुडविल जब मेरे पास है तो मैं कैलाश का शेयर निकालूंगी, राइट. चलिए जी, कैलाश शेयर्स ऑफ गुडविल. फॉर्म्स गुडविल है 75,000 गिवन इन द क्वेश्चन. कैलाश शेयर्स ऑफ गुडविल थ्री पे गया 21,000. So has he bringing or has he brought it in the cash? Bring his share of goodwill in cash, which is retained in the business. Very easy. Sacrificing ratio is in front of you. He is bringing his share of goodwill in cash. Has he brought any capital? No, he is not bringing any capital. Very easy then. Cash account debited. I should erase it. Cash account debited to premium for goodwill. Very easy. First entry. Cash account debited to premium for goodwill. Answers as such नहीं दिए, जो जो calculation है वो उसने answer दिया हुआ है, because journal entries के answer थोड़ी ना देगा. That we will discuss and we will come to know. Premium for goodwill 21,000. That 21,000 is to be divided now in the sacrificing ratio. Premium to Vimal's capital, this you can do. 21,000 into 3/7. 3 pe gaya, right? 3/7. Kitna bana? 9,000 and 12,000. Being goodwill brought in cash by Kailash, then being sacrificing partner's capital account credited. In their sacrificing ratio, that is 3/4. So time is up now. Rest of the things we will continue by tomorrow. We will see more back exercise questions and then we will try to wind up our goodwill topic. One thing more, tomorrow there will be test of business studies and the chapter is business environment, right?